कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में शहीद हुए जवान मंदीप सिंह आज कुरुक्षेत्र में उनके पैतृक गांव में थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। गांव और आसपास के इलाकों में कोई दिवाली नहीं मनाएगा। वहीं अब शहीद का परिवार पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है। शहीद का परिवार चाहता है कि अब पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई हो। दरअसल कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 17 सिख रेजिमेंट के जवान मंदीप सिंह शहीद हो गए थे। आतंकी शहीद का शव छत विछत कर पीओके चले गए। इस दौरान पाकिस्तान की सेना गोलीबारी करके आतंकियों को कवर देती रही। माचल मुठभेड़ में एक आतंकी भी मारा गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले मंदीप की शहादत पर परिवार और गांव के लोगों को गर्व है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी है। मैं अपने पति की शहादत पे और सभी जिनकी शहादत हुई उनको सलाम करती हूँ। सभी देश के जवानों को जो वहाँ शहीद हुए, मेरे पति बहुत बहादुर थे। इस बारे में मैं कहना चाहती हूँ, या तो पाकिस्तान को एक साथ ही खत्म कर दो, या फिर ये लड़ाई झगड़ा ये सब निवेदन सरकार से कि समझा दो पाकिस्तान वालों को। अगर समझते हैं ठीक है, नहीं तो खत्म कर दो तो उसे। कम से कम रोज रोज तो दिवाली काली नहीं होगी ना सभी की। पाकिस्तान पहले भी भारतीय सैनिकों से बर्बरता कर चुका है। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन सौरभ कालिया को बंदी बनाने के बाद पाकिस्तान की फौज ने बर्बरता की थी। जुलाई 2011 में पाकिस्तान के सैनिक भारतीय सेना के जवान जयपाल सिंह और देविंदर सिंह का सिर काट कर ले गए। पाकिस्तान की बर्बरता के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन जिंजर चलाया था। इसमें कुल 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। जनवरी 2013 में पाकिस्तान की सेना और आतंकी भारतीय सेना के जवान हेमराज सिंह की हत्या के बाद सिर काट कर ले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार चीन सीमा पर दिवाली मनाएंगे। पीएम इस बार उत्तराखंड में भारत चीन बॉर्डर इलाके में माड़ा पोस्ट पर तैनात आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात करेंगे। चीन सीमा पर दिवाली मनाने से पहले पीएम मोदी बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। इस दौरान उनके साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी होंगे। बता दें कि उत्तराखंड में चीन से लगे बॉर्डर पर माड़ा भारत का आखिरी गांव है। इससे पहले मोदी ने बीते सोमवार को लोगों से अपील की थी वो आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेज को दिवाली पर अपनी शुभकामनाएं भेजें और उनके परिजनों के साथ दिवाली मनाएं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी लगातार तीसरी बार जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। पिछले साल उन्होंने अमृतसर के खासा में डोगराई वॉर मेमोरियल का दौरा किया था, जबकि 2014 में सियाचिन में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सेना की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि पूरे देश को अपनी सेना पर पूरा भरोसा है और इन जाबाजों के चलते हम लोग अपने घरों में महफूज रहते हैं। आज हम स्थिति में हैं कि हम दीपावली का पर्व मना सकते हैं, भले ही हम जहां भी हो, अपने अपने घरों में हो, कहीं भी स्थित हो, तो ये मात्र इस कारण है कि ये हमारे फौजी भाई कवच बन करके सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। और सच पूछिए तो आए तो थे इनका मनोबल बढ़ाने के लिए, जैसे कहा गया हमें, लेकिन यहां आकर के हमारा मनोबल बढ़ गया। जिस प्रकार का साहस, उत्साह और मनोबल इनमें देखा है, निश्चय ही मैं पूरे भरोसे के साथ देश भर में जाकर के ये संदेश दे सकता हूँ कि हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बॉर्डर पर देश के वीर सपूतों ने पाक फायरिंग में शहीद हुए जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। जवानों की माने तो हर साल वो पूरी खुशी के साथ सरहद पर दिवाली मनाते थे, लेकिन इस बार दिवाली के दिए उन शहीदों की याद में जलाएं जो अब उनके बीच नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे बीएसएफ परिवार की तरफ से, अपने समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हम हर वर्ष दीपावली का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन अब की बार हम ये त्यौहार अपने उन शहीद भाइयों के नाम करते हैं, उनको हम याद करते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे, जो अब की बार हमारे साथ दिवाली नहीं मना सके। हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हमारे भाई शहीद हुए उनकी याद में हमने दीवे जलाए हैं और उनको हम याद करते रहेंगे हर साल। और जैसा भी अभी बॉर्डर पे माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उनके प्रति सजग हैं और कोई भी हमारे ऊपर कोई भी आपदा आएगी हम उसका डट के सामना करेंगे।
यूपी के फतेहपुर और मऊ जिले में दिवाली के मौके पर लोगों ने शहीद जवानों को याद किया। मऊ के रेलवे स्टेशन पर स्कूली छात्र छात्राओं ने एक दिया भारतीय सेना के नाम कार्यक्रम में हिस्सा लिया और शहीद जवानों के नाम दिए जलाए। इस मौके पर सेना के रिटायर्ड फौजी समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं फतेहपुर में एनसीसी कैडेट्स के साथ आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल सोमनाथ झा ने शहीदों के नाम दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एनसीसी कैडेट्स ने भी देश के लिए कुर्बान जवानों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। मथुरा में देश के वीर जवानों को याद करते हुए अलग अलग स्थानों पर दीप दान किया गया। सियासी दलों के नेताओं ने भी शहीद जवानों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। गोविंद नगर में दीपों के जरिए भारत माता की आकृति बनाकर शहीदों को नमन किया गया। वहीं दीपावली के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर मुजफ्फरनगर में खास चौकसी देखी जा रही है। यहाँ ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। शहर के प्रमुख बाजारों में ड्रोन कैमरे की मदद से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और सुरक्षा बलों को जरूरी निर्देश दिए गए। महिला सिपाही के साथ साथ कई जगहों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी गई है। दिवाली के मौके पर नोएडा में पुलिस वालों ने अनाथ आश्रम जाकर बच्चों के संग दिवाली मनाई। नोएडा सेक्टर 12 स्थित अनाथ आश्रम में एसपी समेत कई पुलिस वालों ने अनाथ बच्चों के संग दिवाली मनाई। बच्चों को मिठाई के साथ साथ पटाखे भी बांटे। उधर कुशीनगर में सेना के जवान को पिटाई मामले में डीएम खुद सैनिक के घर पहुंचे और घटना पर अफसोस जताया। डीएम शंभु कुमार एसपी भारत सिंह यादव के साथ सैनिक के घर पहुंचे और खेद जताया। और आपको बता दें कि डीएम की गाड़ी को ओवरटेक करने पर डीएम के ड्राइवर ने फौजी की पिटाई की थी। यूपी के जौनपुर में राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा शहीद राजेश सिंह के घर गए। उन्होंने शहीद जवान के परिवार वालों से मुलाकात की, साथ ही शहीद जवान के बेटे को पढ़ाई के लिए गोद लिया। उन्होंने शहीद के बेटे को देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई कराने की बात कही और शहीद की पत्नी को केंद्र सरकार में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। सांसद आर के सिन्हा ने पीड़ित परिवार को 1,00,000 रुपए की मदद भी दी। उधर बस्ती जिले के एक गाँव में हर बच्चा देश की सेवा करना चाहता है। इस गाँव से सेना में करीब 80 लोग ऑफिसर लेवल तक पहुँच चुके हैं और गाँव का हर बच्चा सेना में जाने जज्बा रखता है। छावनी थाना क्षेत्र के पचवस गांव से 250 लोग अब तक सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं। हिसार में अपने 5 गांव के दौरे में डॉक्टर सुभाष चंद्रा एक सैनिक के परिवार से भी मिले। खारा बरवाला गांव के इस सैनिक परिवार को उन्होंने सम्मानित किया। खारा बरवाला के सैनिक रोहताश कुमार बांद्रा महाराष्ट्र में तैनात है। गाँव के सरपंच ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा का आभार जताया। देखिए, हमने पूरे देश भर में एक मुहिम छेड़ी है जी मीडिया के माध्यम से कि देश में जो भी हमारे जवानों के फौजियों के जो सीमाओं पर तैनात हैं, कहीं पे भी तैनात हैं, अपने परिवार के साथ दिवाली पे नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि उस परिवार में जाके उनको दिवाली की शुभकामनाएँ दें, उनके लिए कुछ फूल पुष्प मिठाई लेके जाएँ ताकि उनको भी जो एक चीज़ है कि हमारे पति भाई बेटा जो आज हमारी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, कहीं पे भी चाहे लड़ रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उनको उनकी एब्सेंस में, उनके गैर हाजिरी में उनके परिवार कोई अकेला नहीं है, सारा समाज उनके साथ है। ये कल्पना है कि मेरे सैनिक मेरी दीवानी, इस प्रकार की मुहिम उन्हें पूरे देश भर में छेड़ी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर वन रैंक वन पेंशन को सही तरीके से लागू करने की अपील की है। राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा है कि हमारे जवान हर रोज अपने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि उन्हें दिखाया जाए हम उनकी और उनके परिवार की चिंता करते हैं। राहुल गांधी ने पीएम को लिखा कि मैं आपका ध्यान मीडिया की उन खबरों की ओर लाना चाहता हूं जो कि पिछले कुछ हफ्तों में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के बाद सामने आ रही हैं। मुझे लगता है कि ये सब हमारे जवानों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली खबरें हैं। राहुल गांधी ने लिखा है कि हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, उसके कुछ दिनों बाद ही विकलांगता पेंशन में बदलाव किया गया जो कि कई मामलों में उन बहादुर जवानों के विकलांग होने पर पेंशन कम कर देता है। सशस्त्र बलों के जवानों को लगातार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से दूर रखा जा रहा है। 18 अक्टूबर के एक आदेश में रक्षा अधिकारियों के स्टेटस में कमी करने का फैसला लिया गया है। यह कमी उनके समकक्ष सिविल सेवा अधिकारियों की तुलना में भी की गई है।
राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार के लोगों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। डॉक्टर चंद्रा की लगातार कोशिश के बाद शहर का साउथ बाईपास शुरू हो गया है। डॉक्टर चंद्रा ने हिसार के ही प्रेस फोटोग्राफर क्लब में इसका उद्घाटन भी किया। दरअसल हिसार के साउथ बाईपास का लंबे समय से इंतजार था, इसके लिए काफी जद्दोजहद चल रही थी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इसके लिए लगातार कोशिश की और दिल्ली तक इसकी फाइल को मंजूरी दिलवाई ताकि हिसार के लोगों को रोड जाम की समस्या से निजात मिल सके। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि गांव को गोद लेकर उनका विकास करने की परिकल्पना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। इसी से प्रभावित होकर उन्होंने अग्रोहा के आसपास के 5 गांवों को गोद लेने की घोषणा की। इसलिए उन्होंने इन गांवों के विकास के लिए सरकार के किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद लेने के बजाय वे गांवों को 100% टैक्स फ्री घोषित करने की मांग की, जिसे जल्द ही मंजूरी भी मिलेगी और इन गांवों के विकास के लिए वे सारथी बनकर काम करेंगे। भारत 200 सिंगल इंजन फाइटर प्लेन खरीदने की तैयारी कर रहा है, लेकिन फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के सामने इसके लिए मेक इन इंडिया की शर्त रखी गई है। यानी उन्हें इन प्लेन्स को भारत में ही लोकल पार्टनर की मदद से तैयार करना होगा। एयरफोर्स ऑफिशियल्स ने यह जानकारी दी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह डील करीब 1,00,000 करोड़ रुपए में होने के आसार हैं, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट की इस देश की सबसे बड़ी डील्स में एक साबित हो सकती है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एयरफोर्स ऑफिशियल्स ने बताया कि इस डील के तहत लड़ाकू विमानों की संख्या 300 तक पहुंच सकती है, क्योंकि सोवियत के विमानों को पूरी तरह हटाया जाना जरूरी है। फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी ने से 36 राफेल फाइटर प्लेन खरीदने की डील पिछले महीने ही की थी। इसके बाद अब इंडियन एयरफोर्स अन्य अधिग्रहण को जल्द अंजाम देकर अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो चीन और पाकिस्तान दोनों के मुकाबले फिलहाल एक तिहाई कम है। मोदी सरकार चाहती है कि आगे कोई भी फाइटर प्लेन भारत में ही लोकल पार्टनर की मदद से बनाया जाए, ताकि डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले और बेहद खर्चीले इंपोर्ट से निजात मिले। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया प्लान के तहत काम कर रहे एयरफोर्स के एक अफसर ने कहा, 200 प्लेन तो हमें तुरंत चाहिए, कम से कम इतने ही जरूरत तो है ही। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार समाजवादी पार्टी सांसद मुनव्वर सलीम के पीए फरहत को 8 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आरोप है कि फरहत पाक उच्चायोग के कर्मचारी महमूद अख्तर के जासूसी नेटवर्क का हिस्सा था। जासूसी के आरोप में पहले से गिरफ्तार शोएब हसन, मौलाना रमजान और सुभाष जांगड़ और फरहत को आमने सामने बैठा कर पूछताछ की जाएगी। सीमा पर पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच नेवी अगले हफ्ते से पश्चिम लहर नाम से युद्ध अभ्यास करेगी। तैयारी सेना के तीनों अंगों के ऑपरेशनल फोकस पर है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना अगले हफ्ते अरब सागर में ड्रिल करेगी। पश्चिमी समुद्र तट पर अभ्यास के लिए 40 से ज्यादा जंगी बेड़े और पनडुब्बी के अलावा फाइटर जेट्स, टोही विमान और ड्रोन भी शामिल किए जाएंगे। इस ड्रिल का मकसद तैयारियों को जांचने के अलावा आतंकी हरकतों से निपटने की तैयारियों को दुरुस्त करना है। सूत्रों के मुताबिक नौसेना का यह अभ्यास 2 नवंबर से 14 नवंबर तक हो सकता है। नवंबर में रिटायर हो रहे राहिल शरीफ पाकिस्तान सेना की बॉर्डर एक्शन टीम के जरिए भारत के खिलाफ कार्रवाई की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान सरकार में सूचना मंत्री परवेज राशिद को बर्खास्त कर दिया गया है। डॉन न्यूज में छपी पाक सेना और शरीफ सरकार में मतभेद की खबर लीक करने के आरोप में परवेज हटाए गए। हालांकि परवेज प्रधानमंत्री शरीफ के करीबियों में रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि बिना शरीफ की सहमति के मीडिया में खबर लीक नहीं होगी। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी अपने परिवार के साथ दुबई चले गए। सीमा पर तैनात के बीच पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ घर में ही घिरे हुए हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थक सड़कों पर उतरे। नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने जोरदार नारेबाजी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने आरोप लगाया कि उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इमरान ने समर्थकों से 2 नवंबर की रैली के लिए तैयार रहने की अपील की।
कश्मीर घाटी में बंद के खिलाफ शनिवार को लोग सड़कों पर उतरे। अलगाववादियों की हरकत से लोग गुस्से में हैं। अलगाववादियों के बंद के खिलाफ लोगों ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि बंद की वजह से उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। लोग सबसे ज्यादा नाराज अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी से है, जिनकी खुद की पोती तो पढ़ाई कर रही है, लेकिन बंद की अपील करके उन्होंने दूसरों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई ठप करवा रखी है। अलगाववादियों के डर की वजह से प्रदर्शनकारियों ने अपना अपना चेहरा ढक रखा था। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवाद बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में स्कूल बंद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी रथ यात्रा 3 नवंबर से शुरू होगी। खास बात यह है कि इस यात्रा के लिए तैयार किए गए पोस्टर्स में मुलायम अखिलेश की तस्वीर है। पोस्टर्स में इनके साथ लोहिया, जनेश्वर मिश्र, जयप्रकाश की भी तस्वीर है, लेकिन किसी और नेता की पोस्टर में जगह नहीं दी गई है। यादव कुनबे में हो रही कलह के बीच इस पोस्टर के जरिए दिए जा रहे संदेश को अहम माना जा रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का सीएम अखिलेश यादव ने जायजा लिया। इस मौके पर अखिलेश यादव के लिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे का ट्रैफिक पहली बार खोला गया। अभी दिवाली मनाने अपने काफिले के साथ लखनऊ से सैफई गए। इस दौरान सीएम ने खुद गाड़ी ड्राइव की। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के लिए दावा किया गया है कि गाड़ी चलाने में किसी तरह का झटका नहीं लगेगा। ड्राइविंग के दौरान गाड़ी में रखे गिलास से पानी छलककर बाहर भी नहीं गिरेगा। 302 किलोमीटर लंबा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे देश का पहला रोड रनवे होगा, जहां से फाइटर प्लेन उड़ान तो भरेंगे ही, वहीं उनकी पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। इसके बाद भारत भी उन देशों में शुमार हो गया जहां एक्सप्रेस वे से टेक ऑफ और लैंडिंग की जा सकेगी। यूपी के उन्नाव में 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को सहायता राशि दी गई, लेकिन पीड़ित इस राशि से खुश नहीं है। उनके मुताबिक ये राशि उनके नुकसान का 1% भी नहीं है। दंगों में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। हालात ये हो गए कि कुछ परिवारों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। वहीं कुछ परिवारों ने सरकार पर मुआवजे के नाम पर मजाक का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें हमेशा नजरअंदाज किया है, इससे अच्छा होता कि सरकार हमें कोई राशि ही नहीं देती। बिहार के गया में छात्र की हत्या के आरोपी रॉकी यादव ने कल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रॉकी यादव ने गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरेंडर किया। रॉकी के साथ उसकी मां और जेडीयू की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी भी थी। भारतीय शूटर हिना सिद्धू ईरान में होने वाली शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगी। उन्होंने ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनने के जरूरी नियम की वजह से ऐसा ऐलान किया है। और अब बात करेंगे भारतीय शूटर हिना सिद्धू ईरान की, जो कि ईरान में होने उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक के गांव की जनता अनशन पर है, वो भी ऐसे वक्त में जब पूरा देश दिवाली मना रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक इसके गांव में सड़क नहीं बनती, तब तक वो ना तो दिवाली मनाएंगे और ना ही वोट देंगे। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि 18 साल पहले सड़क का थोड़ा काम हुआ, लेकिन उसके बाद कोई काम आज तक नहीं हुआ। आज देश भर में दिवाली मनाई जा रही है। रोशनी का त्यौहार मनाने के लिए देश भर में खास तैयारियां की गई हैं। दीपावली के मौके पर मुंबई के सीएसटी स्टेशन को खास तौर पर सजाया गया है। पूरा स्टेशन रोशनी में नहाया हुआ है।